SECL सुहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर बटूरा क्षेत्र कोयला परिवहन को लेकर SECL रामपुर बटूरा क्षेत्र के अधिकारियों के बीच कमीशनखोरी को लेकर विवाद का वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पर स्वयं रामपुर बटूरा खुली खदान के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा संबंधित विभाग के टेक्निकल इंस्पेक्टर के द्वारा कमीशन ना देने पर उन्हीं के खिलाफ वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, जो कि साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड सुहागपुर क्षेत्र के नियमों के विरुद्ध है। ज्ञात हो कि कालरी क्षेत्र में पूर्ण रूप से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करना कालरी क्षेत्र के नियम के विरुद्ध एवं प्रतिबंधित है, किंतु कोल परिवहन को लेकर ट्रांसपोर्टर एवं उससे संबंधित कोल माफिया व चोरों को मिलाकर की जा रही कोयले की हेराफेरी में अपनी साठगांठ कमजोर होते देख बौखलाकर कुछ तथाकथित अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए तो ये पता चलता है कि पूरा मामला रामपुर बटूरा उप क्षेत्र खुली खदान, जिसमें कुछ दिनों पूर्व ही कोयले के उत्पादन का पूर्ण रूप से शुरुआत की गई एवं 200 वर्षों तक चलने वाला ये कोयले का भरमार लगा खुली खदान लोगों की कमीशन खोरी के भेंट ना चढ़ जाए। सोशल मीडिया पर चल रहा वायरल वीडियो कुछ तथाकथित अधिकारियों के द्वारा अपने शीर्ष अधिकारी व संबद्ध अधिकारी कर्मचारी को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया है, किंतु इस पूरे वीडियो में टेक्निकल इंस्पेक्टर के द्वारा साफ तौर पर बात कही जा रही है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई परिवहन में हेराफेरी नहीं हो रही है और ना ही किसी के द्वारा यहाँ अवैध कार्य किया जा रहा है, किंतु इनके ऐसे कृत्य से ऐसा लगता है कि इनकी साठगांठ व मिलीभगत कोयले के ट्रांसपोर्टर सप्लायर परिवहन करने वालों के साथ कहीं ना कहीं इनके द्वारा किए जा रहे कमीशनखोरी की ओर इंगित करता है, क्योंकि कालरी के किसी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा बनाए गए इस वीडियो में साफ तौर पर नोडल ऑफिसर और कोल स्टॉक पदमेश तिवारी, सीनियर मैनेजर माइनिंग रामपुर बटूरा, टेक्निकल इंस्पेक्टर छोटेलाल पटेल, राकेश गुप्ता ओवरमैन माइनिंग सरदार, इन सभी की उपस्थिति इनकी मिलीभगत से हो रहा अवैध कोयले की तस्करी की ओर इंगित करता है, किंतु राकेश गुप्ता ओवरमैन और माइनिंग सरदार को कमीशन न मिलने की स्थिति में टेक्निकल इंस्पेक्टर द्वारा उनके ऊपर अनाप शनाप वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है एवं उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इन्हें कोयले के परिवहन लगे लोगों के द्वारा कमीशन मिलना शुरू हो जाए और साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड को कोयले के काले कारोबार करने वाले ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे शासन को होने वाली क्षति से बचा जा सके। इस प्रकार आपसी तनाव एवं विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लेते हुए साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड सुहागपुर क्षेत्र के वरिष्ठ एवं श्रेष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की सूक्ष्म जांच कराते हुए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। इनका कहना है कि अभी मैं प्रभार में हूँ, एक हफ्ते के लिए उप क्षेत्रीय प्रबंधक छुट्टी में गए हैं और आ जाए तो आप उनसे ही बात करिएगा। करना पड़ेगा आप? नहीं 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 नहीं, आप इस तरह से हाँ बिल्कुल, हाँ बोलिए बिल्कुल, जो बोलना चाहते हैं बोलिए। हाँ आप ऐसा वीडियो बना लगे? हाँ नहीं नहीं, हाँ बोल, हाँ नहीं आप बोलिए, ठीक है, आप अच्छी बात बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, अच्छी बात बोल रहे हैं, आप वीडियो बंद कर दिए आप। मशीन जो ब्रेकडाउन है, यहाँ इतना फालतू आदमी है, इसके लिए ना कुछ तो भी मालूम है, फालतू आदमी है, कौन अच्छा आदमी है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? ये वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग का बात करिए आप। ब्लैकमेलिंग? अपनी नौकरी नहीं बचाए आदमी, अपनी नौकरी नहीं बचाए, अपनी नौकरी बचाए, आप है मेरे को नौकरी, हम लोग नौकरी नहीं, नहीं नहीं आपकी नौकरी नहीं है, हम मान लिए ना, इसीलिए आप जवाबदारी नहीं ले रहे हैं किसी चीज का। सर पाँच छह सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है यहाँ पे चोर चपेट किसी प्रकार का निकाल रहे हैं, आप कोई जिम्मेदारी लेते हैं? बचाइए आप स्टाक यार्ड में, दो दो आदमी लगे हुए स्टाक, कौन सा दो आदमी? आप सब एरिया मैनेजर, मैनेजर से यहाँ का पोस्ट बंद करवा दीजिए, कोई आदमी नहीं आएगा यहाँ सुपरवाइजर।